जब जब साथ निभाना साथिया शो का नाम लिया जाएगा, तब तक गोपी बहू के किरदार में जिया मानेक का नाम सबकी जुबान पर सबसे पहले आएगा। जो शो की शुरुआत में गोपी बहू का किरदार बहुत ही खूबसूरती से निभाकर कुछ ही समय में टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री बन गई थी, जिसके बाद इन्होंने अपने सारे सपनों को साकार किए हैं। चाहे वह मर्सिडीज कार खरीदना हो या फिर मुंबई में अपना घर लेना, सभी सपनों को इन्होंने सच कर दिखाया है। लेकिन इनका एक सपना है जो हमेशा के लिए अधूरा रह गया है, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की, पर कड़ी मेहनत के बाद भी इनका वह सपना कभी सच नहीं हो पाया, जिसके चलते आज इनका वह सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। आखिर कौन सा है इनका वह अधूरा सपना जिसे ये कभी चाह कर भी नहीं कर पाई? आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इनके उसी अधूरे सपने से रूबरू कराने वाले हैं। अगर आप भी इनके उस अधूरे सपने के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही जिया मानेक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गोपी बहू का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री जिया मानेक भले ही आज अपनी सफलता के बलबूते पर अपने सारे सपनों को सच कर चुकी हो, पर इनका एक सपना है जो हमेशा के लिए अधूरा रह गया है, और वह सपना है मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का। जी हाँ दोस्तों, आपकी चहेती गोपी बहू टीवी की नहीं बल्कि फिल्मों की एक मशहूर एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसलिए तो इन्होंने पहले फिल्मों के लिए ही ऑडिशन दिए थे। काफ़ी ऑडिशन देने के बाद इन्हें साल 2010 में न घर के न घाट के फिल्म में ओमपुरी की बेटी का किरदार निभाने का मौका मिला, और इसी किरदार को निभाकर ही इन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। पर उसके बाद इन्हें साथ निभाना साथिया के लिए कास्ट कर लिया गया, जिसके बाद ये गोपी बहू के किरदार के साथ एक घरेलू नाम बन गई। पर बीच में इन्होंने शो छोड़ दिया और झलक दिखलाजा में हिस्सा लिया, जिसके बाद इन्होंने फिल्मों के लिए ऑडिशन दिए, पर करीब 50 ऑडिशन देने के बाद भी ये किसी फिल्म के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाई थी। इस वजह से इनका आत्मविश्वास टूट गया और साथ ही एक मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का सपना चूर चूर हो गया। इतने सारे रिजेक्शन के बाद इन्होंने मन बना लिया कि अब ये टीवी में अपना करियर बनाएंगी और टीवी की टॉप एक्ट्रेस बनकर दिखाएंगी, और आज अपनी कड़ी मेहनत के साथ इन्होंने अपना कहा पूरा भी कर दिखाया। ये आज टीवी के टॉप लीडिंग एक्ट्रेस बन चुकी है, पर इस वजह से इनका एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री बनने का सपना हमेशा के लिए अधूरा ही रह गया है, जिसे ये अब कभी सच नहीं करना चाहती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिया को अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए दोबारा कोशिश करनी चाहिए या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी सभी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।